दोस्तों नमस्कार। कैस्टर सीड के उत्पादन में भारी इजाफा होने के समाचार, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं आज 27 फरवरी 2023 सोमवार। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। गौरतलब है कि हमने अपने वीकली न्यूज लेटर के अंदर भी कैस्टर के अंदर कमजोरी की संभावना जताई है। आप चाहें तो वीकली न्यूज लेटर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उस नंबर पर वीकली न्यूज लेटर या साप्ताहिक न्यूज लेटर लिख के आप हमें मैसेज करें, हम आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेंगे। मामूली शुल्क पर आप साल भर प्राप्त कर सकते हैं वीकली न्यूज लेटर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि चालू फसल सीजन साल 2022-23 में कैस्टर के उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। सॉल्वेंट एक्सट्रेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार चालू वित्त वर्ष साल 2022-23 के पहले 9 महीने अप्रैल से दिसंबर के दौरान कैस्टर तेल के निर्यात में 17.38% की गिरावट आकर कुल निर्यात 4.43 लाख टन का हुआ है, जबकि इसके पहले पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में 5.20 लाख टन का निर्यात हुआ था। समान अवधि में जो घटकर 4.43 लाख टन का ही हो पाया है। इसका एक और महत्वपूर्ण बात नज़र आ रही है कि कैस्टर सीड का उत्पादन लगभग 14.87% बढ़कर 19.46 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि पिछले साल उत्पादन 16.94 लाख टन का हुआ था, जो बढ़कर अब 19.46 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो लगभग 15% अधिक है। यदि हम कैस्टर सीड का मूल्य के हिसाब से देखें तो चालू वित्त वर्ष में पहले 9 महीने में कैस्टर तेल का निर्यात 6,683 करोड़ रुपए का हुआ था। राजकोट में शनिवार को कैस्टर तेल के भाव कमर्शियल के 1,365 रुपए प्रति 10 किलो के पर भाव पे स्थिर बने हुए हैं, जबकि आज गिरावट की संभावना बन रही है। जबकि FSG किस्म के दाम 1,375 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं। कैस्टर तेल के भाव कांडला बंदरगाह पर $1,700 प्रति टन के भाव चल रहे हैं। राजकोट मंडी में कैस्टर सीड के भाव शनिवार को 1,290 से 1,305 रुपए प्रति 20 किलो के रहे, जबकि जामनगर मंडी में इसके भाव 1,240 से 1,278 रुपए और गोडल मंडी में 1,270 से 1,301 रुपए प्रति 20 किलो के भाव बताए जा रहे हैं। आज कैस्टर सीड के भाव NCDX के ऊपर गिरावट लगातार दिखा रहे हैं और ये 6,526 के स्तर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मौजूदा समय के अनुसार क्लोज पे हुआ था 6,584, ओपन हुआ 6,570 और लो बनाया 6,510 और मौजूदा समय में लगभग 60 रुपये की गिरावट के साथ 6,526 रुपये के भाव चल रहे हैं। अगला वायदा और भी कम है, ये 6,423 रुपये लगातार चल रहा है। दोस्तों कपास खली पर भी हमारा पूर्व आकलन एवं विश्लेषण सत्य साबित होता नज़र आ रहा है और साथ साथ गवार सीड पर भी हमारा आकलन सही साबित नज़र हो रहा है। दोस्तों जीरा धनिया लाल मिर्च काली मिर्च पर भी हमारा आकलन असटिक साबित होता है। आप विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।